हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट। आपको पता होगा कि जो हम लोगों ने कम्युनिटी बॉक्स के अंदर एक टाइम टेबल बना के दिया था, उसमें आपको बुधवार का जो टाइम टेबल था उसमें सबसे पहला जो शिफ्ट था 12 बजे वाला, उसमें आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आज एनवायरनमेंट के लगभग आपके पास में 26 क्वेश्चंस रहेंगे और इन 26 क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा और ये 4-5 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन के समय के अंदर आपकी पूरी इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था आरएएस के एग्जाम 1997 में दोस्तों, और आप ये बिल्कुल मत समझिएगा, यहाँ पर आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन आ चुके हैं 1997 में, इनके रिपीट होने की संभावना नहीं है दोस्तों, रिपीट होने की संभावना बहुत रहती है। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, और बी ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। सी ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैव संसाधनों का नहीं, और चौथा कह रहा है आपसे पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो इसके ऑप्शंस हैं इसको बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा और तब इसकी बातों को समझना होगा। पहले ऑप्शन में कहा है पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। देखिए इनका कहने का मतलब है कि पर्यावरण की जो भी कार्य प्रणाली है, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन, जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, हवाओं का, जलवायु का, ये सारा जो परिवर्तन है, ये जो पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी कार्य प्रणाली है वो प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, आपको मेरी बात समझ में भी आ रही होगी। सेकंड वाले में कह रहा है कि पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है, बिल्कुल सही है, पार्थिव एकता विद्यमान होती है। पार्थिव एकता का मतलब दोस्तों होगा छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल विद्यमान होती है। इसलिए इसका जो आंसर है वो अभी सेकंड वाला भी उसमें पूछा कौन सा गलत है, तो ये दोनों तो सही है। थर्ड में आते कह रहा है कि पर्यावरणीय भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। दोस्तों जैविक संसाधन क्या होते हैं आपको पता होगा, जैविक संसाधन में जैसे आ जाएंगे आपके खनिज, ठीक है ना, आपके पेड़ पौधे, ये जो जितने भी जैविक संसाधन हैं इन संसाधनों का भंडार नहीं होता, गलत है। इन संसाधनों का दोस्तों भंडार होता है, भौतिक संसाधनों का भंडार नहीं होता, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अगर डी की तरफ बढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो कह रहा है कि पर्यावरणीय व्यवस्थाओं में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है, बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को लग रहा है कि वीडियो में थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो का 1.25 वाला एक यूट्यूब का एक ऑप्शन होता है उसमें लगा सकते हैं ताकि आपकी वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है। पहला ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है आपका मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का प्रवाह, और चौथा ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र। तो इन चारों में से कौन सा एक राइट आंसर है ये दोस्तों आपको बताना है, इसमें से कौन सा एक राइट आंसर है। तो देखिएगा, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है इसमें जो बी वाला राइट आंसर है, कह रहा संचालित नहीं होती, खाद्य श्रृंखला तो होती है, किससे, प्राकृतिक नियमों के अकॉर्डिंग तो होती है। आपने देखा होगा कि घास को कौन खाता है, फिर जो घास को खाता है उसको कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, ये तो खाद्य श्रृंखला हो गई। ऊर्जा का प्रवाह भी वैसे ही होता है प्राकृतिक रूप से, तो इसमें भी कोई जद्दोजहद वाली बात नहीं कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। ए भी है, बी भी है, सॉरी ए बी ए सी भी है। डी वाला जैव भू रासायनिक चक्र होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कथन ए दिया गया है पर्यावरणीय अपार शक्ति का भंडार है, दूसरा है कारण आर पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। दोस्तों देखिए, इसमें दोनों ही जो कथन है आपके बिल्कुल राइट है, तो ए और ओ दोनों सही हैं, बिल्कुल पर्यावरण शक्ति का भंडार है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण में आपको पता है बहुत सारी हैं चीज़ें हैं, ये सारी शक्तियों का मतलब क्या है, शक्तियों का मतलब है वायु शक्ति, पवन शक्तियाँ, सॉरी पवन शक्तियाँ, ऊर्जा शक्ति, ये सारी पर्यावरण की शक्ति हैं। और कह रहा है कि पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, मतलब उसके फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है
पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य का मतलब दोस्तों होता है कौन सा कथन गलत है, आपको इनमें संबंध देखने हैं, कौन सा कथन असत्य बताना है। पहला है जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन के आधारभूत इकाई है, बी है आपका जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व विद्यमान होते हैं, सी नंबर का है कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, एंड डी है अपघटन जीव अपना भोजन स्वयं ही बना पाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर मतलब कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, जो हरे पौधे होते हैं वो अपने मृत अवयवों को क्या करते हैं दोस्तों, अपघटित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं, कह रहा है कि वनों को काटने के परिणाम क्या हो सकते हैं, मतलब कि अगर आप बहुत सारे पेड़ों को काटेंगे दोस्तों तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगर आप वनों को काटते हैं तो पहला परिणाम ये इसका हो सकता है कि वर्षा और नमी में वृद्धि हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये होगा तब तो हम और काटेंगे, क्योंकि वर्षा में अगर वृद्धि होने लग जाए या नमी और बढ़ने लग जाए तो वनों को और काटने लग जाएंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि मिट्टी की क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, बिल्कुल सही है, ये भी एक बार हो सकता है। चलिए थर्ड पे आते हैं, उष्णता में कमी, नहीं ये उष्णता में भी कमी नहीं आएगी किसी प्रकार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उपयुक्त में से है बी, क्योंकि आपको पता है वन ज़्यादा कटेंगे तो क्या होगा, मिट्टी का क्षरण होगा। मान लीजिए ये आपका पहाड़ है तो ये मिट्टियाँ क्या होंगी, यहाँ पर पेड़ लगा है तो इस पेड़ की बदौलत क्या है, ये पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टियों को क्या करती हैं, बांध के रखती हैं, और जब ये कट जाएगा तो इसकी जड़ें ढीली हो जाएंगी और यहाँ से मिट्टियों का क्षरण होने लग जाएगा। और अनियंत्रित बाढ़, बिल्कुल सही है, अनियंत्रित बाढ़, बाढ़ की जो एक तरीका है, जो थोड़ा बहुत जो इसका मैं ज्वार भाटा के तरफ या ज्वार भाटा जब आता है तो उससे जो वायु जो पानी का प्रवाह होता है वो रुकता है, लेकिन इस कंडीशन में जब आप वनों को बहुत काटेंगे तो क्या होगा, पानी का प्रवाह रुकेगा नहीं और अनियंत्रित बाढ़ आना शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव करेंगे, कह रहे हैं कि वृक्षों और तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती, अगर आप वृक्षों को काटें और पेड़ों को काटें और वनों को काटें तो आपको किस प्रकार की हानि देखने को मिलेगी, ये आपको बताना है। ओके, पहला वाला ऑप्शन है वायुमंडलीय परिवर्तन, बी वाला ऑप्शन है प्रदूषण का खतरा, सी वाला ऑप्शन है भूमि संरक्षण, एंड डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ओके, तो देखिएगा इसमें आपको समझिए, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार का हानि होती है आपको बताना है। तो देखिए वायुमंडलीय परिवर्तन तो होता ही होता है, बिल्कुल सही बात है, प्रदूषण का भी खतरा बढ़ेगा क्योंकि जब आप वृक्षों को काट देंगे वनों को काट देंगे तो ये जो हमारे जो पेड़ हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन को देते हैं ये कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि इनकी मात्रा कम हो जाएगी, तो ये भी बात सही है। भूमि संरक्षण भी कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि भूमि संरक्षण ज़्यादा आप कह पाएंगे कि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ मूव करना है, सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन दिया था एक बहुत बड़े शास्त्री हुआ करते थे जिन्होंने पर्यावरण के ऊपर बहुत अध्ययन किया, उन्होंने ये कथन दिया हुआ था, ये उनका क्या नाम है, उनका नाम है ए फिटिंग। ओके, ए फिटिंग उनका नाम है। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ मूव करेंगे, एट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित, अधोलिखित का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, आपको बताना है कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो देखिए भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज या बस्तियाँ, तो देखिए ये तो है, मिट्टियाँ भी भौतिक वातावरण का तत्व है, खनिज भी हैं, कौन सा नहीं, बस्तियाँ नहीं, बस्तियों का मतलब दोस्तों समझते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, छोटी छोटी जो बस्तियाँ होती वो तो नहीं हो सकता ना, वो तो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ मूव करेंगे, कह रहे हैं कि सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है, ये IAS के 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब आपको कराया जा सकता है क्योंकि अब इसका लेवल उस स्तर तक नहीं होगा। पहला है नियतिवादी अवधारणा, बी है संभववादी अवधारणा, और सी है नवनियतिवादी अवधारणा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, नवनियतिवादी अवधारणा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं,
दसवां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है तो मुझे जरूर बताइएगा, टफ है, हार्ड या इजी है। तो देखिए, पहला ये CDS में पूछा गया था 2003 के अंदर और UPPCS में 2006 के अंदर पूछा गया, और ऐसे ही आपका इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी में भी पूछा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूछा ना जाए। तो पहला बोला है कि भौतिक तंत्र से, बी है जैविक तंत्र से, सी है भौतिक तथा जैविक तंत्र से, और डी है भौतिक जैविक तथा सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारिस्थितिकी क्रियाशील तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं कि वर्तमान समय में वन क्षेत्रों से उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहेंगे जहां पर प्राकृतिक मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो ये CDS 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखिए, क्या 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम या 25% से कम? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 50% से क्या दोस्तों, कम। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादन कौन थे। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? आपके पास ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो SSC में ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था, और ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चन था वो SSC 2003 में पूछा था। पहला है कार्ल लिटर, लिथ्रीटर, डेविस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लिटर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, UPPCS 2006 में पूछा गया था। पहला है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इन्वायरमेंट क्या है, आप क्या इससे समझते हैं? तो पहला दिया गया है कि भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी है भौतिक जैविक व सांस्कृतिक तत्वों की अंततः क्रियात्मक व्यवस्था जो अन्य संबंधी होते हैं, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारी बातें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जब आपने पर्यावरण का सही मतलब आप जब पढ़ेंगे बुक्स में, तो आपको ये सारी बातें पढ़ने को मिलेंगी वहां पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? देखिए दोस्तों, अब क्योंकि स्टार्ट हुआ था इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका करा था? सतत विकास का। ठीक है ना, सतत विकास का इन्होंने किया था। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में आते, कह रहे हैं कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पहला, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता का को घटाना, या उपरोक्त सभी। आपसे पूछा गया तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा डी, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या है? संक्रमण, इकोटोन, अनुक्रम, सेक्सेंस, सी चरम अवस्था जिसको बोलते हैं क्लाइमैक्स, एंड डी है क्रमिकी मतलब सिरिल। तो दोस्तों, ये कहलाता है आपका संक्रमण इकोटोन, ओके, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपसे कि धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। भारत में धारणी विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? किसकी दृष्टि से दोस्तों? धारणी विकास की दृष्टि से।
देखिए क्वेश्चन जो आते हैं यूपी पीसीएस या सीडीएस में या आपके आईएएस के एग्जाम में, उनमें भाव समझने की बहुत ज़रूरत है। मतलब आप यदि भाव समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हैं। बस भाव ही यहाँ पर मेन होता है। ओके तो देखिए 18 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ईजी है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, वह है पर्यावरण दिवस 5 जून को। सी इज द राइट आंसर, बच्चे बच्चे को पता होगा। आप मुझे बताइएगा इस बार जो पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, विषय क्या थी, ये मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। एक ऐसा कोई इसमें से पॉइंट है जिसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं होती है, तो चलिए देखते हैं क्या नहीं होगी। धारणीय विकास होगी, गरीब कम करना भाई होगी, गरीबी कम करना, ये क्या है, पर्यावरणीय सुरक्षा तो है ही। वातानुकूलित, वातानुकूलन, अब देखिए वातानुकूलन का जो सेंस है वो पर्यावरणीय सुरक्षा से भाई नहीं आता है, ठीक है ना, जो इसका जो सेंस है वो पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। देखिए पर्यावरण दिवस अभी आपने देखा कब, 5 जून को, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, वो पारित किया गया था आपका बी 1986, क्या 1986। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है 2015 में, आपके भी एग्जाम में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं तो इसका होगा द फ्यूचर वी वॉन्ट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सिक, या फ्यूचर वी हैव, तो क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर वी वॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 23 आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो 20+20 सम्मेलन क्या है, आमतौर पर जो समाचारों पे आते हैं रियो 20 सम्मेलन वो क्या है, ठीक है। तो पहला है यह एक धारणी विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बी है यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है। सी है यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। डी है यह जैव विविधताओं पर कन्वेंशंस के सदस्य देशों का सम्मेलन है। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। देखिए आईएएस के 2016 में आया हुआ था, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको पढ़िएगा, काफी अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि धारणी विकास लक्ष्य जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया गया था। ओके आपके पास जो बी वाला है वो है धारणी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने के जाने हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी है, बी इज द राइट आंसर, केवल 2 नंबर का जो कथन है वो बिल्कुल इसका सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़ के जाइएगा। एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। बी है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन या वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल सी या डी। तो आपको देखिए समाचार जब आप बहुत अच्छे से देखेंगे एजेंडा 21 के अंदर ये कहा गया था दोस्तों यहाँ पे एजेंडा 21 के बारे में देखते हैं। देखिए एजेंडा 21 क्या था, आइए देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, तब आपको हो सकता है काफी अच्छे से इसके बारे में आपको क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं एजेंडा 21 क्या था।
दोस्तों एजेंडा 21 1992 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पहल थी और एजेंडा 21 को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसका जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर हुई थी ये बात। और दोस्तों ये जो सम्मेलन था वो ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया है एजेंडा 21 या अर्थ समिट, दोनों बात एक ही है। आइए अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा एजेंडा 21। अभी हालांकि बहुत अच्छे लेवल पे जब आप पढ़ेंगे तब ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये पढ़ाने वाला सिलसिला नहीं है, यहाँ पर आपको मैं सिर्फ टेस्ट पेपर करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 आयोजित हुआ था, ये कब हुआ था ये आपको बताना था। तो ये दोस्तों हुआ था आपका 1997 में, ओके 1997 में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत काम की बातें इसमें की हुई है और इस काम की बातों के साथ साथ आपको ये जो डी वाला ऑप्शन है ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए आप मुझे बताइएगा 26 में आपने कितने नंबर गेन करे हैं, ये वीडियो कैसा लगा है। और आप जहाँ पर भी हैं प्लीज़ फेसबुक पे, अगर आप हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी हैं प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस टेस्ट पेपर का फ़ायदा उठा सकें। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।